हाय दोस्तों, फाइनली हम लोग रेडी हो रहे हैं चित्रकूट जाने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे भांजे और हमारे भाई साहब तुलसी आऊंगा और आप लोग को चित्रकूट धाम का भी दर्शन करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, अब चित्रकूट धाम के लिए दर्शन के लिए निकलेंगे। और हमारे साथ और साथ में जीजा और भांजे, एक छोटा सा भांजा देखिए हाथ में चाय लेकर के आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग घर से निकलते हैं और फाइनली सब लोग रेडी हो चुके हैं। हमारी दीदी ने देखो पानी दिया है आपको। हम दीदी का घर भी दिखा देते हैं। ये हमारे जीजा जी निकल रहे हैं घर से, खाने के लिए कुछ सेब हमारी दीदी दे रही है ताकि रास्ते में जो है खा लीजिए। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और हनुमान धारा पहुंच चुके हैं। आइए उनका दर्शन करवाते हैं। रास्ता है जाने का हनुमान धारा के, सात सौ सीढ़ियाँ को चढ़ने के बाद आपको हनुमान जी का दर्शन मिलेगा। और ये हनुमान धारा क्या है चल करके वहाँ हम लोग जानते हैं। फाइनली हम लोग प्रथम द्वार के पास पहुँच चुके हैं, लगभग सात सौ सीढ़ियों को क्रॉस करने गाइस। ये बहुत ऊपर है, अभी हम चलते हैं वहाँ मंदिर के पास, फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे। प्रचार प्रसार का भी माध्यम देखेंगे यूनियन बैंक का, और जो कि अच्छे लोग अच्छा बैंक भी यह सभी को बताता भाई, वाकई में एक अच्छा बैंक भी है, यहाँ पे भी चालू है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, ये हनुमान धारा का मंदिर है इसके अंदर। दोस्तों हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पर, और लगभग अभी भी हम लोग को 150 सीढ़ियों पर चढ़नी है। यहाँ पे दोस्तों 507 सीढ़ी हैं। अरे भैया लड्डू नारियल भोग प्रसाद नहीं मिलेगा, तुम्हारा अच्छा आ चुका है, प्रसाद लेके जाओ, जैसे जी का लड्डू मिलेगा। पहले दोस्तों हम लोग हनुमान धारा पहुँच चुके हैं, पता नहीं चला। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पानी चली पहाड़ों से हमेशा 365 दिन चलती रहती है। और इसका राज क्या है आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ भगवान राम ने जब तीर धनुष चलाया था, लगभग चार जगहों से यहाँ इसी तरीके से निकलती है। पहला जगह है, और भी जगहों पर चलते तो आपको बताएंगे। लगभग हमेशा सालों साल चलता रहता पहाड़ पानी। इसी सीढ़ी को क्रॉस करने के बाद आप अपने हाथ पैर को धुल करके जा करके दर्शन कर सकते हैं। और ये काफ़ी सुनहरा दृश्य देखने को मिला है। और ये सबसे बड़ी बात इसकी खासियत है, गर्मी चाहे वो ठंडी चाहे बरसात हो, हमेशा हर वक्त ये पानी यहाँ से निकलता रहता है। इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि पानी कहाँ से आता है। और यहाँ पर आप हाथ पैर को धो सकते हैं। चलिए आगे का आपको दिखाते हैं। नाम हनुमान जी का नाम लेके आप पहले बात कर रहे मामा बोल बोलो। ये आपको बता देते हैं मेन मंदिर आपको यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता का आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग इतने दूर से चल करके आए हुए हैं। हनुमान मंदिर हनुमान ये मेन मंदिर जो धारा है यहाँ, ये मेन मंदिर है, आप जरूर आइए, आप लोग यहाँ दर्शन करिए। चित्रकूट फिलहाल हम लोग चित्रकूट में तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हर जगह भी जाएंगे और आप लोग को वहाँ पर भी दिखाएंगे और भी अनेक मंदिर। चलिए चलते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि अब आगे मोबाइल नहीं जा सकती है क्योंकि आगे सारे बंदर्स हैं वो। जैसा कि हम लोग हनुमान धारा के करने के बाद सबसे ऊपर पीक पर है, जहाँ से आपको यहाँ पे एक दुकानें देखने को भी मिलेंगी, जहाँ पे टिकिया समोसा रबड़ी खाने को मिलेगा।
और हम लोग अभी फिलहाल टिकिया खा रहे हैं, काफी अच्छा स्वाद है। आप लोग भी जरूर आए दर्शन करने, एक बार सबसे ऊपर चोटी पर आए और यहाँ से आप टिकिया का पानी चाय नाश्ता कर सकते हैं, काफी अच्छा भी लग रहा है खाने वाने में। हम लोग हनुमान धारा के ठीक दर्शन करने के बाद ऊपर एकदम चोटी पर हैं। यदि आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो दो तरीकों से, तीन तरीकों से आ सकते हैं, रोप के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से, और इधर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप किराए के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। आइए हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले जो यहाँ के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या खासियत बात है जो दूर दरार के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए यहाँ क्या है, ये कावतगिरी का पर्वत है जो आपके सामने है, और ये देखिए भगवान 11.5 वर्ष चित्रकूट में निवास किए हैं। जो भगवान राम जी यहाँ, आप हनुमान धारा के ऊपर खड़े जो हनुमान जी की मूर्ति है, भगवान राम जी यहाँ अपने बाणों द्वारा मार करके धारा निकाले हैं। वो धारा पता नहीं कौन से युग से निकल रहा है, कब से निकल रहा है, और लोग यहाँ चित्रकूट के बारे में, ये हर तीर्थों से ज़्यादा चित्रकूट की मानता है, जो भगवान राम जी 11.5 वर्ष रहे भी है और यहाँ आज भी वो राजी है, उसी का राम राज्य चलता है। अच्छा, तो ऐसे ही मतलब आप अगर मान लीजिए बहुत लोग जो दूर दूर से आते हैं तो कैसे, मतलब उनको तो कुछ रास्ता पता नहीं रहता, कैसे आ सकते हैं? नहीं, वो देखिए रास्ता उनको पता नहीं है, लेकिन आज के डेट में तो देख ही रहे कि नेट गूगल पे हर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग ऑल इंडिया घूम सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं बाबूजी। अच्छा, तो ऐसा मतलब अगर कोई बाइक फोर व्हीलर से आना चाहे तो उसका क्या किराया रहा है? हम लोग देखिए हनुमान धारा के ऊपर नीचे से स्टैंड से लेंगे, ऊपर का दर्शन पूरा कराएंगे सीतारस हनुमान धारा रामकुंड का, और उसका हम लोग 100 रुपये सवारी पे लाते हैं, आना जाना ले जाना दर्शन करा के छोड़। यदि कभी भी आप यहाँ अगर दर्शन करने के लिए आते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे दूंगा, जब भी आप आए तो इनके नंबर पे कॉल करके आपको यहाँ पे उच्च चोटी पर पहुँचा देंगे और आप दर्शन भी कर सकते हैं। अगर यदि आप चाहेंगे तो इनको साथ लेकर के आपको हर तरीके का बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ का एक राज मैंने देखा कि जो पानी कहाँ से आता है, इसका अभी तक कुछ देखिए यहाँ लोग आके वैज्ञानिक लोग इसकी खोज भी कर चुके हैं, जब हम लोग नहीं थे, आप लोग यहाँ नहीं थे, तो देखिए वैज्ञानिक आकर के खोज किए, लेकिन इसके धारे का जल का पता नहीं हुआ, इसलिए कि भगवान राम जी का बाण मारा हुआ है वो कैसे हम लोग आप लोग पा सकते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि पत्थर की मूर्त है, हम लोग पूछ रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं कि नहीं यार ये है ऐसा है, वही हम लोग मान रहे हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर देख रहे हैं हम लोग कितने ऊपर से दर्शन करके हम लोग नीचे को उतर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत भी लग रहा है, चढ़ने तो फिलहाल बहुत प्रॉब्लम होती थी लेकिन उतरने में तो कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी खासी है तो आप सीढ़ी के माध्यम से आए, नहीं तो आप रोपवे के माध्यम से भी ले सकते हैं। और आप इधर देख रहे होंगे कि आप ऊपर सब रोपवे के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं और कोई उतर भी रहा है, तो जैसी भी आपकी व्यवस्था हो आप आ जा सकते हैं।